नमस्कार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। बात हो रही है पठानकोट का। पठानकोट में जिस तरीके से आतंक का प्लान देखने को मिल रहा है, दरअसल आज भी दिन भर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन पठानकोट एयरबेस पर जारी रहा। दिन भर एयरबेस में रह रहकर फायरिंग की आवाजें आती रही। इस आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हो गए। पठानकोट के एयरबेस में हुए आतंकी हमले की गूंज रविवार को भी सुनाई थी। एयरबेस में रविवार को फिर फायरिंग हुई। दिन भर सुरक्षा बलों की ओर से कहा गया कि एयरफोर्स स्टेशन में 2 और आतंकी छिपे हैं और उनकी तलाश जारी है। एयरफोर्स स्टेशन में आतंकियों के मौजूद होने की पुष्टि खुद बॉर्डर रेंज के DIG विजय प्रताप सिंह ने की। इस आतंकी हमले में रविवार को लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार शहीद हो गए। निरंजन ई कुमार NSG में बम डिफेंस डिफ्यूज स्क्वाड में सेना से डेप्यूटेशन पर आए थे। इसके साथ ही सुबह के वक्त अस्पताल में 3 जवानों के शहीद होने की खबर आई। ये तीनों जवान शनिवार को घायल हुए थे। रविवार को फिर हमला होने के बाद केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मॉर्निंग ऑफ 2 जनवरी एट अबाउट 3:30 द टेररिस्ट वर लोकेटेड by means of aerial surveillance which had been mounted by the Air Force overnight and they were immediately engaged. Because of the early action of mounting aerial surveillance on account of the alert, the terrorists were unable to move towards their likely intended target of the technical area which has Air Force assets. रविवार को फिर एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद AOC धमून ने कहा कि जब तक सभी आतंकियों को मार नहीं गिराया जाता, ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशंस कंटिन्यूड थ्रू आउट द नाइट एंड टुडे मॉर्निंग वंस अगेन 2 वर एंगेज्ड एंड दिस ऑपरेशन इज एट द फास्ट आई मीन इज एट अ कंप्लीशन स्टेज। आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए 7 जवान शहीद हो गए। अलर्ट होने के बाद भी आतंकी हमला करने में कामयाब हुए और 2 दिन लगातार आतंकियों ने हमला किया, जिसने सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सरकार को भी सवालों में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। पठानकोट एयरबेस में हुए आतंकी हमले को लेकर भले ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हों, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इसे अलर्टनेस ही मान रहे हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा है कि पंजाब बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर के मुकाबले BSF कम तैनात है। क्या केंद्र सरकार पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले को लेकर अंधेरे में थी? ये सवाल रविवार को फिर से एयरबेस में हुए आतंकी हमले के बाद और ज्यादा उठने लगे हैं। हालांकि देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि पहले से अलर्ट थे, इसीलिए आतंकियों के मंसूबे नाकाम हुए, वरना बड़ा हमला हो सकता था। इंटेलिजेंस इनपुट न रहा होता तो इससे भी बड़ा कहीं कोई हादसा हो सकता था। उधर पंजाब के डिप्टी CM सुखबीर बादल ने पंजाब बॉर्डर पर BSF को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने इस बाबत केंद्र को लिखने की बात भी कही। ਉਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੈਟ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਦ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ BSF ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। And we have to act as a second line of defense. Assi immediately ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। पंजाब का ये इलाका पाकिस्तान से बेहद सटा है। पिछले साल हुए दीनानगर आतंकी हमले के बाद पठानकोट आतंकी हमले ने देश को फिर से हिला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। पठानकोट में हुए आतंकी हमले पर सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस ने जहां राज्य सरकार को घेरा है, वहीं CM ने अपील की है कि इस मामले में सियासत ना हो। पठानकोट एयरबेस पर हमले पर राजनीति भी गरमाती जा रही है।
पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने पर केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी के बीच हमला पंजाब सरकार पर भी हो रहा है। लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने इस दहशतगर्दी हमले को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और हाल ही में सिख कैदियों की रिहाई पर भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। मिनिस्ट्री ने जो कहा उन्होंने ये कहा भी तीनों एजेंसियां ISI जैसे मोहम्मद ते तीजा जड़ा बब्बर खालसा दे जड़ा नीटा बैठा है जटाणा बैठा है ते ए होर जड़े बब्बर खालसा दे उत्थे तीन बड़े आगू जड़े बैठे ने उन्होंने मिलके इस घटना नूं अंजाम दिता है। नवा तो नवा जड़ा अतवादी आ वह कितने ना कितों तो छड़िया जा रहा चाहे यूपी चो आ चाहे कर्नाटक चो आ चाहे वह बिहार चो आ चाहे पंजाब चो कल ही बहुत बड़ा टैरिस्ट जो एक छड़िया गया जे ये चीज़ों ना रोकया गया ये पंजाब की सीधी अमन शांति भंग होगी तो वो जिम्मेदार प्रकाश सिंह बादल ते बादल साहब का परिवार होगा। उधर मुख्यमंत्री बादल की दलील है कि मुद्दा देश की हिफाजत से जुड़ा है तो इस वक्त सियासत करना ठीक नहीं। देखो यही गलिया पार्टियां जो इंसीडेंट हो देश की सिक्योरिटी रखना हो पोलिटिकलाइज़ कड़ाई नहीं करना चाहिए सारे देश सारिया पार्टियां कट्ठा होंडेम करना चाहिए और सरकार को ही हेल्प करनी। हर मुद्दे को राजनीतिक ज्योग्राफी के साथ देखना बेशक राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है लेकिन जरूरत है इस तरह के हालात में राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता दिखाने की क्योंकि यहां सवाल देश की सुरक्षा का है। पठानकोट से राजन गोसाई के साथ नवीन शर्मा जी मीडिया लुधियाना। और यहां आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में 7 जवान कुल शहीद हुए हैं 6 जवान एयरफोर्स के और एक NSG के लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए हैं। शहीद हुए जवानों में 2 गुरदासपुर और 1 अम्बाला का रहने वाला था। गुरदासपुर के दोनों जवानों का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया जबकि अम्बाला के शहीद जवान गुरसेवक सिंह को कल अंतिम विदाई दी जाएगी। आतंकियों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए गुरदासपुर के गाँव चक शरीफ के रहने वाले कुलवंत सिंह फौज की नौकरी पूरी कर चुके थे और फौज से सेवानिवृत्ति लेकर डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स में हवलदार की नौकरी शुरू की थी और कुछ महीने पहले ही कुलवंत सिंह की पोस्टिंग एयरफोर्स स्टेशन पर हुई थी। कुलवंत सिंह कुछ दिन पहले ही अपने परिवार को मिलकर ड्यूटी पर गए थे। परिवार को उनकी शहादत पर फख्र है। 15-20 साल पहले आर्मी च सी उत्थों पेंशन आ गई सी फिर दोबारा फिर DSC दी ड्यूटी करदे सी। खबर इत्थों पता लगा कि सवेरे 3 बजे अतवादी आए है ते उन्होंने आउंदे पहला हमला किया इन्होंने इस हमले में शहीद हुए गुरदासपुर के ही दूसरे जवान फतेह सिंह की कहानी भी कुलदीप सिंह के मुकाबले अलग नहीं है। फौज से सेवा मुक्त होने के बाद देशभक्ति के जज्बे की वजह से उन्होंने एक बार फिर से नौकरी ज्वाइन की। फतेह सिंह का बेटा भी फौज में नौकरी कर रहा है। हाँ जी वो तो छोटा बेटा है बेटी है बड़ा बेटा फौज भर्ती है आर्मी हरियाणा के अम्बाला का बहादुर बेटा गुरसेवक सिंह भले ही आतंकियों का सामना करते हुए शहीद हो गया हो लेकिन उसकी शहादत परिजनों को देशभक्ति का वो जज्बा दे गई जिसे देख और सुनकर हर कोई शहीद गुरसेवक और उसके परिजनों को दिल से सलाम कर रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है जो देश की सेवा के लिए गया था मेरा बच्चा मुझे गर्व है उसके ऊपर। कमांडो जो भर्ती हुआ एयरफोर्स के अंदर उसने अपना कर्तव्य निभाया है देश के लिए मेरा है दुख भी है बड़ा बच्चा मेरा एक आर्मी में है मतलब कोई ऐसी बात नहीं है सेवा करेंगे देश की डट करेंगे उग्रवाद के खिलाफ लड़ेंगे। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल भी देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले इन जवानों की शहादत को सलाम करता है। गुरदासपुर से अजय महाजन के साथ अमन कपूर जी मीडिया अम्बाला। और वहीं पठानकोट आतंकी हमले के बाद पूरे देश में चौकसी बढ़ा दी गई है। पंजाब के सभी मुख्य शहरों में खासकर सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा में इजाफा किया गया है। चप्पे चप्पे पर CCTV हर सड़क पर नाकाबंदी और तलाशी ये तस्वीरें हैं पंजाब के अलग अलग शहरों की जो पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले के बाद पंजाब में किया गया। किसी दूसरी जगह पर ऐसी घटना ना हो सके इसलिए सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हर आने जाने वाले साधन की बारीकी से जांच की जा रही है। जैसे कल से हमें रेड रेड के आदेश मिले हैं हमने RPF से और अपना GRP को कमांड लेके
जो भी गाड़ियाँ उनकी चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, और वैसे स्टेशन पर CCTV के अपने कैमरे भी लगे हैं जो कि RPF के अंडर काम करते हैं, और उसमें फुटेज वगैरह भी आज चलती रहती है, कंटिन्यू चलते हैं वो 24 आवर्स, और दिन रात अपने मुलाजमों को लेकर हम गाड़ियों की चेकिंग वगैरह कर रहे हैं। उसी राउंड द क्लॉक साडा बंदा इतने बैठते हैं, चेक करता है कुछ इनलार्ज करके, तुसी भी देख ही लिया कि इनलार्ज होंगे सारे सारे साढ़े प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं। पठानकोट में एयरबेस पर हुए हमले ने एक बार फिर पिछले साल दीनानगर में हुए आतंकी हमले की याद ताजा करवा दी है। 31 दिसंबर से जिस तरह की घटनाएं पंजाब में हो रही हैं, उससे राज्य की सुरक्षा को लेकर फिक्र बढ़ना स्वाभाविक है। आतंकी हमला होने तो बाद जदों असीं चंडीगढ़ दे रेलवे स्टेशन ते रियलिटी चेक करन पहुंचे तां तुसीं देख सकदे हो कि एंट्रेंस गेट ते हाले तक कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। यही जिहड़ा हाल सी ओह कल वी सी ते अज वी इह हाल देखण नूं मिल रहा है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के लोगों को भी ये अपील है कि वो भी सचेत हों, और अगर आपको अपने नजदीक किसी भी गतिविधि पर शक होता है तो बिना वक्त गवाए उसकी इत्तला पुलिस को दें। चंडीगढ़ से नितिका माहेश्वरी के साथ सुमित सिंह जोशी, जी मीडिया संगो। उधर दिल्ली में भी खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले की चेतावनी जारी की है, जिसे देखते हुए पुलिस के कान खड़े हो गए हैं और पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पठानकोट आतंकी हमले के बाद खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। खुफिया एजेंसियों ने पुलिस को आगाह किया है कि जैश ए मोहम्मद के दो आतंकी 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड से पहले बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। अलर्ट के बाद दिल्ली के रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं ऐतिहासिक इमारतों के अलावा VVIPs की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बसी ने भी सुरक्षा हालात को लेकर पुलिस के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। आतंक को जवाब देने के लिए संदिग्ध लोगों, सामानों और कार्रवाइयों को लेकर नागरिकों की चौकसी जरूरी है। किसी भी संदिग्ध चीज की जानकारी 100 नंबर और 1090 नंबर की हेल्पलाइन पर दें। इस हाई अलर्ट को देखते हुए राजधानी में दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय से भी अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की है। तो यहाँ आपको बता दें कि जिस तरीके से पठानकोट में आतंकियों ने पठानकोट एयरफोर्स एयरबेस को निशाना बनाया है, उसके बाद से ही पूरे देश भर में सिक्योरिटी को लेकर हाई अलर्ट है। 26 जनवरी नजदीक है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 15 तारीख को जिस तरीके से दोनों देशों के बीच बातचीत भी होनी है, उसे डीरेल करने की कोशिश भी इस आतंकी हमले को कहा जा रहा है। तो लगातार इस पूरे हमले को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी तक की अगर लेटेस्ट जानकारी आपको बताएं तो 4 आतंकी जो कल मारे गए थे उन्हीं की पुष्टि हुई है। आज जो जानकारी मिल रही है, सुबह से ही वहां पर जिस तरीके से फायरिंग हो रही है, यहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ये जानकारी आज मिल पा रही है कि 2 और आतंकी अभी वहां पर हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के घरौंदा में रेलवे अंडरपास का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम खट्टर ने कहा कि वो 17 से 25 जनवरी तक विदेश में निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घरौंदा को रेलवे अंडरपास की सौगात से नवाजा है। सीएम खट्टर ने घरौंदा में 6,40,00,000 की लागत से बनकर तैयार हुए रेलवे अंडरपास का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद अश्विनी चोपड़ा भी रहे। सीएम खट्टर ने कहा कि इस रेलवे अंडरपास से काफी लोगों को फायदा होगा। अंडरपास जो लगभग 6,40,00,000 रुपए की कॉस्ट से ये तैयार हुआ है, आज इसका उद्घाटन किया है और मैं समझता हूँ इन सारे गांवों को बहुत लाभ होगा। सीएम खट्टर 17 से 25 जनवरी तक विदेश दौरे पर रहेंगे। सीएम खट्टर के इस विदेश दौरे का मकसद प्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाशना रहेगा। 17 से 25 मेरा दो देशों का दौरा है और मुख्य रूप से जो नए निवेशक हैं हरियाणा में आके निवेश करें, चाहे वो NRIs हैं हरियाणा से गए हुए बाहर हैं, चाहे विदेश के लोग हैं यहाँ आकर के निवेश करें, ऐसे सब लोगों को निमंत्रण देने के लिए मैं समय जा रहा हूँ। विदेश दौरे के दौरान सीएम खट्टर निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। इन निवेशकों में प्रवासी भारतीय भी शामिल हैं। प्रदेश में सब डिविजन बनाने के लिए सीएम ने बताया कि कृषि मंत्री धनखड़ की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है।
करनाल से राकेश रोहिला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव के दूसरे चरण में 790 पंचायतों में वोट डाले गए। पूरे प्रदेश में 5796 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इस दौर में 790 पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य चुने जाने थे। वहीं मतदान में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सरकार पर जल्दबाजी में चुनाव करने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में 790 पंचायतों में वोटिंग हुई। हमीरपुर में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने अपने परिवार संग समीरपुर पोलिंग बूथ पर मतदान किया। इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर, अरुण धूमल के साथ ही परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। वोट देने के बाद प्रेम कुमार धूमल ने वीरभद्र सरकार पर जल्दबाजी में चुनाव करवाने का आरोप लगाया। ऐसा लगता है प्रदेश सरकार मनोवैज्ञानिक तौर पर और वास्तविक तौर पर चुनाव करवाने के लिए न सक्षम थी न तैयार थी। शिमला में मौसम साफ रहने के बावजूद एक बार फिर लोगों में मतदान को लेकर ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला। शिमला की 124 पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान, बीडीसी सदस्यों के लिए चुनाव हुए। वहीं डलहौजी में पंचायती राज चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। डलहौजी में तापमान शून्य होने के बावजूद भी लोगों ने डलहौजी की 20 पंचायतों में विकास के नाम पर वोट किया। स्वच्छ, साफ सुथरा और ईमानदार जैसा नेता निकले कोई जो पंचायत की खुशहाली व तरक्की में सहयोग करे, गरीब लोगों का भला करे। वही ऊना में भी लोगों ने पंचायत की मजबूती के लिए अपने वोट की चुटकी। और जो भी विकास होगा गांव से शुरू होगा तब हमारी बहुत कीमती वोट है, ताकि हम अपनी जो पंचायत है वो एक पढ़े लिखे इंसान को दें। जंझैली में भी सराज क्षेत्र की 15 पंचायतों के 95 वार्ड में मतदान हुआ, जहां सर्दी के बावजूद मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतार देखने को मिली। कुछ लोग तो आग और अंगीठी का सहारा लेकर मतदान केंद्रों के बाहर डटे नजर आए। मैं चाहता हूं सब अपना वोट दें, वोट देना काफी अच्छी बात है और भी जागरूक हो। मंडी में भी पंचायत चुनाव के लिए लोग मतदान करते हुए नजर आए और अपने क्षेत्र के विकास की उम्मीद जताई। प्रदेश में सबसे अधिक 1004 मतदान केंद्र बनाए गए थे। हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव के दूसरे चरण का दौर खत्म हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मतदान को जरूरी बताया। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आए। अब पंचायत चुनाव के तीसरे दौर का मतदान 5 जनवरी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। क्या शिमला में बढ़ता प्रदूषण पहाड़ों की रानी के मौसम का मिजाज बिगाड़ रहा है? प्रदेश के बाकी इलाकों में बर्फबारी होना और शिमला में ना होना क्या इस बात का संकेत है कि प्रदूषण की मार शिमला पर पड़ रही है? क्या शिमला में भी दिल्ली की तरह और दीवन का फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा? क्या कहते हैं मौसम विभाग के अधिकारी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। शिमला में बढ़ता प्रदूषण यहाँ मौसम पर असर डाल रहा है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह की माने तो इस वक्त शिमला में तापमान सामान्य से ज्यादा है। जो तापमान है वो अभी भी जो सामान्य से ज्यादा चल रहे हैं, खास करके जो दिन के तापमान है वो भी हायर साइड में है। यानी इस वक्त जितना तापमान होना चाहिए था उतना नहीं है, उससे अधिक है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई लेकिन शिमला में क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। जो ऊपर के इलाके हैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर का एरिया है, वहाँ पे जो तापमान अभी भी जो शून्य से नीचे चल रहे हैं, लेकिन वो भी हम कह सकते हैं कि जो सामान्य से ज्यादा है। शिमला घूमने आने वाले सैलानी भी मानते हैं कि शिमला में गर्मी बढ़ गई है। शिमला में अब पहले जैसा मौसम नहीं रहा। लगता सीगा कि बड़ा बढ़िया मौसम होएगा, पर इत्थे आके पता लग्या भी इत्थे तां बड़ी गर्मी है अजे भी। मतलब मौसम जिहड़ा है उस तरह दा ही है जितना पंजाब च है। पंजाब च भी शायद ज्यादा ठंड है, सो इत्थे इन्नी ठंड नहीं है, गर्मी पै रही है। मतलब ये है कि मौसम तो मतलब हमेशा की तरह जैसे हुआ करता था इस बार नहीं है। ये है कि थोड़ी ठंड है जरूर, पर ना जो हर साल की तरह इस टाइम थोड़ा मौसम इतना ठंडा हो करता था, फॉग पड़ती थी, वो फॉग नहीं है, वो मौसम के काफी चेंजेस आ चुके हैं। शिमला के प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग में बर्फ तकरीबन 3 हफ्ते की देरी से हुई। यानी साफ है कि प्रदेश में बढ़ता प्रदूषण हसीन वादियों वाले शहर की फिजा में असर डाल रहा है। ऐसे में सवाल ये है
कि क्या पहाड़ों की रानी शिमला में भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की तरह ऑड इवन का फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। हमारा संविधान हमें स्वस्थ रहने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर ताकीद की है कि देश के नागरिकों के स्वास्थ्य का सही ख्याल रखना सरकारों का कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन शायद हिमाचल प्रदेश में सरकार और स्वास्थ्य विभाग को इन बातों का कोई ख्याल नहीं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है, शायद इसीलिए हमारा संविधान भी हमें इसका अधिकार देता है, जिसके लिए राज्य सरकारों को भी अपनी भूमिका निभानी है। अगर ऐसा होता तो प्रदेश के सबसे बड़े और आधुनिक अस्पताल IGMC में एम्बुलेंस ना होना, मरीजों का उनके रसूख के आधार पर इलाज करना और करोड़ों खर्च कर टेस्टिंग मशीनें लगाने के बावजूद इसका इस्तेमाल ना होना यहाँ के अधिकारियों के लिए छोटी बात ना होती। ये रिएजेंट्स की कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके कारण टेस्ट नहीं हो पा रहे थे। कुछ पेमेंट का इशू था, विच हैज बीन रिजॉल्व, जो रिजॉल्व कर दिया गया है। IGMC के इस लैब में टेस्ट ना होने से लोग परेशान हैं, लेकिन डॉक्टर साहब टेस्टिंग के लिए केमिकल ना होने का रोना रो रहे हैं, जबकि कम मूल्य और BPL के लिए मुफ्त में टेस्ट की सुविधा मुहैया करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़े हो हल्ले के साथ इस लैब का उद्घाटन किया था। IGMC में टेस्ट करवाने आए थे, यहाँ पे चेकअप कराने के लिए आए थे। यहाँ पे किसी भी प्रकार के टेस्ट नहीं हो रहे, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, और इस तरह से तो यहाँ पे बहुत गंभीर समस्या चली है। IGMC में जैसे टेस्ट की सुविधा है तो बाहर से टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं, गरीबों को तो बहुत महंगे पड़ रहे हैं, गरीब लोग जो आ रहे हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है। इन हालात को देखकर ऐसा कहने में गुरेज नहीं कि हिमाचल प्रदेश में शायद गरीबों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा जाता। अब जब प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की हालत ये है तो बाकी अस्पतालों का हाल समझना मुश्किल नहीं। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला।